नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह है फ्राटा फैन और इसकी की हमने चैन वाइंडिंग 2880 RPM में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका वाइंडिंग वाला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका वाइंडिंग वाला पार्ट देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कनेक्शन जो है बहुत ही सिंपल हैं, इजी हैं, 1 से 3 में होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से। ये मोटर है चैन वाइंडिंग की, इसके अंदर टोटल 4 सेट इंस्टॉल हैं 6-6 कॉयलों के, वो सभी में 2-2 तार निकले हैं, एक इनर एक आउटर। जी हाँ दोस्तों, ये तार आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला एक तार ऊपर वाला, ये नीचे वाला इनर है, ऊपर वाला आउटर है। ये जो हमने पहला वाला सेट डाला था सबसे शुरू में, उनके 2 तार हैं। जो पहली कॉइल डाली थी सेट की, उसका इनर तार ये है, और सेट की अंतिम कॉइल थी उसका आउटर ये है, ठीक है। तो इस एक सेट के 2 तार हैं, ठीक है। इस तरह से 4 सेट इंस्टॉल हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ठीक है। 6-6 कॉइलों के, चाहे कितने भी कॉइलों के हो सेट, अगर 4 सेट डालते हैं तो कनेक्शन सिंगल फेज के सेम होंगे। तो देख लीजिए प्रोसेस। देखिए पहला जो इनर तार है, जो पहले सेट का है, पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला तार जो है पहले सेट का, इसको हम स्कीप कर देते हैं। अब इसका आउटर पकड़ते हैं, पहले का आउटर। पहले का आउटर हमने लिया, और जो दूसरा सेट है उसके दोनों तार स्कीप करेंगे। पहले का आउटर लिया और तीसरे सेट के आउटर से जोड़ना है, ठीक है, तीसरे के, जो कि जस्ट उसके सामने होता है, बिल्कुल सामने होता है। पहले के सामने तीसरा रहेगा और दूसरे के सामने चौथा रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप स्लीव ले लीजिए और तार पे अपने पे चढ़ा लीजिए, जिन जिन को कनेक्ट करना है आउटर तार को। पहले का आउटर हमने लिया और तीसरे का आउटर, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, और कनेक्शन अच्छे से कीजिए। ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये एल्यूमिनियम में मैंने रिवाइंड किया है, कॉपर में भी आप सेम तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं, सेम डेटा के साथ, ठीक है। और कनेक्शन में आप डबल स्लीव भी लगा सकते हैं, मैं सिंगल लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन, ठीक है। तो पहले सेट और तीसरे सेट का कनेक्शन हो गया है। अब उसके इनर तार बचेंगे, पहले का इनर और तीसरे का इनर, ठीक है। अब इन दोनों को हम स्कीप करते हैं। अब मोटर को हम घुमा लेते हैं, ठीक है, और अब कनेक्शन देते हैं हम दूसरे का चौथे के साथ। तो वही आउटर तार जुड़ेगा, ठीक है, दूसरे का आउटर चौथे के आउटर के साथ, बिल्कुल सिंपल, वही 1 से 3 बनता है, ठीक है। तारों को अच्छे से जोड़ें, दोस्तों। इस मोटर की वाइंडिंग बहुत ही सिंपल हुई है, सिंपल तरीके से, लेकिन देखने में थोड़ी सी आपको कठिन लगी होगी। जब आप इसको रिवाइंड करेंगे तो बस आपको पिच का ध्यान रखना है,
मोटर खुद ब खुद रिवाइंड होती चली जाएगी। ठीक है, तो दो कनेक्शन, दो जोड़ हमारे बन गए हैं। और दोस्तों अब हमारे पास टोटल चार तार बचे हैं इनर। ठीक है, तो आप किसी को भी रनिंग बना सकते हैं, किसी को भी स्टार्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वाला था जो मैंने कि बताया, जो हमारा पहला वाला है, पहला कॉइल है, ठीक है, पहला जो कि तीसरे के साथ कनेक्ट है, उनमें हम रेड तार लगा देंगे, उसको रनिंग बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीव हम डाल लेते हैं तारों में। दोस्तों अब हम रनिंग में रेड तार का यूज करेंगे। आप चाहे जिसको रनिंग स्टार्टिंग बना सकते हो, क्योंकि समान क्वाइल है, समान टर्न है, सभी टर्न सेम है, बराबर टर्न है और बराबर क्वाइल साइज है, बराबर गेज है, तो आप जिस बराबर घूमेगी, चाहे किसी को भी रनिंग स्टार्टिंग आप बना सकते हो, दोनों साइड बराबर ही चलेगी। ठीक है, क्या दोस्तों, तो हमने लाल तार लगा दिया है जो पहले सेट की इनर तार थी उस पर। अब हम दूसरे को स्किप करके तीसरे वाली को पकड़ते हैं, इस पे भी हम लाल तार लगा देते हैं। तार को अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, और उस पर फिर स्लीव चढ़ा देना है। तो ये हो गए हमारे दो रेड तार, इसको हम रनिंग बना दिया है। ठीक है, अब दो तार हमारे बचते हैं, इसको हम स्टार्टिंग बना देंगे। तो दोनों में हम जोड़ देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने दो ब्लैक तार जोड़ दिए हैं, दो लाल तार जोड़ दिए हैं। ठीक है, पहले और तीसरे के इनर तार में हमने लाल जोड़े हैं और दूसरे और चौथे के इनर तार में हमने ब्लैक जोड़े हैं। तो ये रनिंग के बन गए दो तार, ये दो स्टार्टिंग के बन गए। अब इसमें से कनेक्शन करने के लिए सेम तरीके से करेंगे, एक एक को एक रनिंग स्टार्टिंग को लेके कॉमन बना लेंगे। ब्लैक में कैपेसिटर लगेगा और रेड में भी कैपेसिटर लगेगा, और यहाँ पे करंट दिया जाएगा, फिर कॉमन और रेड में करंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको जल्दी से हम धागा मार देते हैं। ठीक है, तो धागा मारने के लिए आपको धागा चाहिए और एक तार की सुई आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इन तारों को अच्छे से पकड़िए, एक तरफ लेके जाइए, किसी भी तरफ ले आइए जहाँ आपका मन करे। ठीक है, हम इसको ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम बीच में धागा लगाएंगे और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे आप पेपर लगा सकते हैं सेट के बीच में। ठीक है, धागा मारने से पहले कई बार क्या होती है कि कॉपर वायर से अगर आप रिवाइंड करते हैं तो वो हीट बहुत ज़्यादा होती है कॉपर वायर, और आपस में टच होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एल्यूमिनियम में भी आप लगा सकते हैं, मैंने एल्यूमिनियम में यहाँ पे रिवाइंड किया है। ठीक है, तो आप सेट वाइज कागज लगा सकते हैं कि एक सेट दूसरे से टच ना हो। दोस्तों अब जल्दी से इस पे मैं धागा मार देता हूं, अच्छे से मारना है।
दोस्तों देखिए अच्छे से तारों को दबा दीजिए, ठीक है, अच्छे से ताकि ये खींचे नहीं। तो दोस्तों आज की हमारी अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।